गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम मोरगांव। और स्वागत है आप सबको मेरे ब्लॉग पर फिर से। और आज बजे है दोपहर के 3:30, राइट, अभी 3:30 बज गए हैं यार। और इस टाइम पे ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज, बिकॉज दिन भर तो बारिश हो रही थी सुबह से। और आपको वेदर का हाल भी दिखाना चाहूँगा, देख लीजिए। वैसे तो आपने देख लिया कि वेदर का हाल ऐसा है, इट्स अबाउट क्राइम, रोने वाला है आकाश। पिछले काफ़ी दिनों से बारिश हो रही है, और पिछले ब्लॉग में भी आपने देखा कि बारिश में ही भीगते हुए मैं ब्लॉग बना रहा था, और आज भी आई डोंट नो, ऐसा ही कुछ मौसम हो सकता है। और आज मेरे साथ है मेरा फ्रेंड अनीश, वेरी स्पेशल पर्सन, मेरा बहुत ही पुराना फ्रेंड। हाय अनीश। हाय, वेलकम टू माय ब्लॉग। प्लेजर इज माइन। और काफ़ी दिन से यार हम दोनों सोच रहे थे यार ब्लॉग पे निकलेंगे, कुछ बनाना है यार, कहीं चलते हैं, पर ऐसा मौका ही नहीं मिल रहा था। हालांकि दोनों की नई बाइक है, मैंने आपको मालूम है मेरा बेस्ट है डोमिनर, एंड इसका भी बेस्ट है एनएस। इसने रिसेंटली लिया है कुछ महीने पहले। और दोनों की हेलमेट है एक्सिस, इसका भी है एक्सिस, और मेरा भी है एक्सिस, दोनों एक साथ ही खरीदे हम दोनों ने। तो चलो गाइस, अभी मिलते हैं आगे ब्लॉग पे, ठीक है। आज हम जा रहे हैं दुधिया, जो कि वेरी नियर बाय स्पॉट है, काफ़ी अच्छा है, प्लस प्लेस है। आई होप सो आपको जरूर अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मिलते हैं आगे ब्लॉग पे। मेरे राइट हैंड साइड पर ये रही गुलमा की टी फैक्ट्री, ये है टी फैक्ट्री गुलमा, यानी कि मोहरगांव टू गुलमा, सॉरी मोहरगांव गुलमा कुछ भी एक ही है। और ये सारे चाय की पत्तियाँ प्लक किए हुए अभी ये फैक्ट्री में लेके जाएंगे। वज़न होगी, वेट होगी उसकी कितनी कीजिए, या फिर देन अकॉर्डिंगली इसको मशीन पे दिया जाएगा रोस्टिंग के लिए। तो अभी फ़िलहाल हम हैं सुकना के जंगलों पे। अभी फ़िलहाल लश ग्रीन है यार, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, और विंटर सीजन पे यार ये पूरा ड्राई हो जाता है, तब येलोविश दिखता है तब। पर अभी फ़िलहाल मानसून का आगमन हो चुका है, इट्स मानसून सीजन नाउ, सो इट्स चारों तरफ लश ग्रीन है यार, इट्स लश ग्रीन एवरीवेयर। हमारे यहाँ यार यही तो है खूबसूरती यार, सीजनल, लाइक सीजन वाइज जो प्लांटेशंस है यहाँ पर, ट्रीज है, जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज एंड प्लांट्स है, सीजन वाइज चेंज होते रहते हैं यार। विंटर सीजन में पूरा ड्राई हो जाते हैं, तो चारों तरफ येलोविश काइंड ऑफ स्ट्रक्चर हो जाती है। एंड अभी फ़िलहाल रेनी सीजन एंड की मानसून सीजन पे सब कुछ खिल उठता है यार, इट इज़ ग्रीन एवरीवेयर। एनीवेज यहाँ से होती है अभी आर्मी एरिया स्टार्ट ये टर्निंग के बाद, सो आई एम गोना पुट डाउन माय कैमरा, तो मेरा कैमरा को मैं कर लेता हूँ ऑफ, ठीक है, क्योंकि आर्मी एरियाज वगैरह यार दिखाना सही नहीं होता है, आई डोंट लाइक टू फीचर। A few moments later. सुबह अभी फ़िलहाल रुके हैं हम सिमलवाड़ी पे और ले रहे हैं चाय की चुस्की एज ऑलवेज, नाइस टी, और ऑर्डर की है हमने ऑनियन पकौड़ा।
अनंत पकौड़ा भी, क्योंकि अभी फ़िलहाल इंतज़ार चल रही है हमारे फ्रेंड विशाल के लिए। आई डोंट नो विशाल कब आएंगे और यहाँ से फिर हम निकलेंगे, बट अनलेस जब तक विशाल नहीं आता है तब तक चाय और पकौड़ी का मज़ा लेते हैं। ठीक है, बने रहिएगा ब्लॉग पे। ओ वेलकम बैक एवरीवन, एंड वी मूव्ड ऑन गाइस। तो फिलहाल हम निकल पड़े हैं यहाँ से, विशाल भी आ गया है, आगे हिमालयन पे विशाल, और विशाल से आगे है अनीश इन NS 200, और लास्ट पे मैं हूँ, सो दैट आई कैन फीचर बोथ ऑफ देम। सो दिस इज़ गाड़ीधुरा बाज़ार, ये गाड़ीधुरा बाज़ार है, छोटा सा बाज़ार, एंड फ्रॉम हियर यहाँ से लेना है लेफ्ट हमको। ओके, अगर स्ट्रेट निकल जाएंगे तो पंखाबारी रोड होके कश्योंग निकल जाएगी ये रोड। ठीक है, बट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, क्योंकि हम जा रहे हैं दुधिया। और लोकल लैंग्वेज में लोकली कहा जाए तो दुधे। हिंदा करू ना, पारी बसू ना, आई जाना। ऑसम, ओह माय गॉड, नदी का पानी खूब ज्यादा हो गया है। नदी को एक तरफ से बांध दी गई है। Yeah, I already like this place very much. बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। So, guys, अभी फिलहाल हम दुधिया पिकनिक स्पॉट पे नहीं गए, हमारा प्लान हो गया कुछ चेंज, एंड अभी हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर, यानी कि शिव जी का एक टेम्पल है, मैं दिखाऊंगा आपको आज। We are going to that location. हालांकि बारिश नहीं है पर वेदर इज़ वेरी ग्लूमी, ठंडा का एहसास, इट्स नाइस। हाँ, राइट हैंड साइड को अगर जाएंगे हम यहाँ से तो इट विल लीड टू मिरिक, ये मिरिक जाता है, बट हमको जाना है यहाँ से लेफ्ट हैंड, सो वी आर टेकिंग दिस रूट, ये लेफ्ट वाला रूट लेंगे। मुक्तेश्वर टेम्पल, हालांकि ये रोड से भी हम मिरिक जा सकते हैं, पहले यहाँ उतना गाड़ी वाड़ी चलता नहीं था, अभी रास्ता ठीक कर दिया यार, ये रोड पहले काफ़ी बहुत ही ऑफ रोड हुआ करता था, बट नाउ द रोड हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड वेल, और आई गेस जी ज़्यादा दिन नहीं हुआ होगा यार रोड ठीक बनाया गया है। ओह नाइस, सो नाइस यार व्यू, द व्यू इज सो नाइस, मेरे बाएं तरफ नदी बहती हुई। हालांकि पानी कम है, और कुछ बंदे वहाँ चले गए फोटो वोटो खिंचा रहे हैं, अच्छी बात है।
और वो टेंपल इज वेरी नियर कार एंड बाइक्स। So guys, how is the place? Place kosta? Place Eltham. I mean, visited after a long time. Nice. Nice, right? So guys, introducing you all, memories. Mr. Vishal. Yes, hi. Welcome Rider back. Vishal, welcome Rider. To my blog, guys. Rider Vishal. Rider Vishal. Ah, Rider Vishal. It's been many years, yaar. After kahi saalon ke baad, aaj fir main yahan par aaya hoon. Kafi saalon ke baad. नज़ारे देख लीजिए। और यही है वो टेंपल जिसके मैं बात कर रहा था। नॉनवेज खा के मंदिर क्या जाना, बाहर से दिखाता हूँ, बाहर से दिखाता हूँ सबको। हाँ, तो फिलहाल हम लोग पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। ज़्यादा दूर नहीं है सिलीगुड़ी से, काफ़ी नज़दीक। इट्स जस्ट वेरी नियर। और यहाँ अभी कुछ देर बैठेंगे, तीन दोस्त गप्पे सप्पे मारेंगे, फिर निकलेंगे यहाँ से। इस ब्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगता है यार, प्लीज़ तो प्लीज़ अपने वैल्यूएबल कमेंट्स को ड्रॉप डाउन कीजिएगा। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आपका एक सपोर्ट, एक मोटिवेशन बनता है यार हम जैसे नए यूट्यूबरों के लिए। एंड होपिंग सो कि आज का ये ब्लॉग भी आप सबको पसंद आया होगा। और पसंद आई है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन दिस ब्लॉग एंड चैनल। ठीक है, तो मिलता हूँ फिर किसी और ब्लॉग पर। आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर एंड बाय बाय।